नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। गाइस, आज है 23 सितंबर, तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 सितंबर 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो दोस्तों, यहां पर जो हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, तो वह है, हाल ही में किस बैंक ने जुर्माने के रूप में 38,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा ये कि अभी हाल ही में कौन सी बैंक है जिसमें जुर्माने के रूप में 38,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। तो ये कौन सा जुर्माना है दोस्तों? तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा GST जुर्माने के रूप में, ठीक है, GST जुर्माने के रूप में 38,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। तो आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा यस बैंक। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि अभी हाल ही में जो यस बैंक है, इसने जुर्माने के रूप में 38,000 करोड़ रुपये का यहाँ पर भुगतान किया है, ठीक है। जो मध्यम आकार की निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक है, इसने घरेलू प्रेषण में कथित उल्लंघन के लिए GST विभाग को जुर्माने के रूप में 38,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। GST विभाग को 32,000 करोड़ रुपये की अधिक भुगतान किया गया है, जबकि GST में बदले गए सेवा कर के रूप में 6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह मुद्दा शहरी पैसे से प्रवासियों द्वारा ग्रामीण इलाकों में उनके घरों में प्रेषण से संबंधित है। कर विभाग का मानना है कि बैंक ने मानदंडों का उल्लंघन किया है और कर का भुगतान नहीं किया है, जबकि बैंक की सोच इससे बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पर बात की गई है यस बैंक की। तो यस बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और इसके जो CEO हैं तो वो हैं राणा कपूर। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए यहाँ पर जानना ज़रूरी है, जो यस बैंक है इसके जो CEO हैं तो वो कौन है? राणा कपूर, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। हाल ही में IRDAI, आप जानते होंगे IRDAI, तो हाल ही में IRDAI ने न्यूनतम चालक बीमा कवर में कितने लाख तक की वृद्धि की है। क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या है कि अभी हाल ही में जो IRDAI है, इसने न्यूनतम चालक बीमा कवर में कितने लाख रुपए की वृद्धि की है? तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 15 लाख रुपए की इसने अभी हाल ही में वृद्धि की है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर बता दूं, बीमा नियामक जो कि IRDAI है, इसने मालिक चालक के लिए न्यूनतम बीमा कवर में 750 रुपये प्रतिवर्ष की प्रीमियम के साथ 15 लाख रुपए तक की यहाँ पर वृद्धि की है। ये जो कदम है, ये दुर्घटना पीड़ितों को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए लिया गया है। वर्तमान में मोटरसाइकिल, दोपहिया और निजी कार वाणिज्यिक वाहनों के लिए इस खंड के तहत पूंजी बीमा राशि क्रमशः 1 लाख और 2 लाख रुपए है। मालिक ड्राइवरों के पास अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर 15 लाख से अधिक कवर का विकल्प भी है। दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है IRDAI, तो IRDAI का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और दोस्तों, IRDA के जो अध्यक्ष हैं इस समय मौजूदा, तो वह हैं सुभाष चंद्र खुंटिया, ठीक है। तो ये कुछ इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, तो वह है, ऑस्कर 2019 के लिए कौन सी फिल्म की आधिकारिक सबमिशन है। यानी कि आप क्वेश्चन को ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ऑस्कर 2019 आयोजित होने वाला है, उसमें भारत की तरफ से किस फिल्म को नामित किया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विलेज रॉक स्टार। यानी कि जो अभी ऑस्कर 2019 के लिए भारत की तरफ से जो आधिकारिक सबमिशन है फिल्म की, तो वो है विलेज रॉक स्टार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बता दूँ कि जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि FFI, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने घोषणा की है कि रीमा दास की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फीचर फिल्म विलेज रॉक स्टार। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो विलेज रॉक स्टार है, तो ये किसकी फिल्म है? तो ये रीमा दास की फिल्म है और ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो इसको अगले वर्ष के 91 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। ये जो घोषणा है, ये SV राजेंद्र सिंह बाबू, चेयरमैन ऑस्कर पुरस्कार, FFI की चयन समिति द्वारा की गई थी। वर्ष 2017 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियम था और यह 70 से अधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म समारोह का दौरा कर चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है, कुछ और जान लेते हैं। तो जो हिंदी फिल्म न्यूटन है, इसे पिछले वर्ष के ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत का आधिकारिक सबमिशन किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि जो
पिछले ऑस्कर पुरस्कारों के लिए कौन सी फिल्म भारत की तरफ से नामित की गई थी, तो वो नामित की गई थी न्यूटन। और जो 2019 में ऑस्कर आयोजित की जाएंगे उसमें जो भारत की तरफ से फिल्म नामित की गई है, यानी आधिकारिक जो सम्मेलन है भारत की, तो वो है विलेज रॉक स्टार, जो कि हिमा दास की पिक्चर मूवी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश द्वारा महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप, यहाँ पर चैंपियनशिप कर लीजिए, विश्व चैंपियनशिप 2018 की मेज़बानी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि अभी हाल ही में जो महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप शुरू होने वाला है, तो इसकी जो मेज़बानी है ये हमारे देश भारत के द्वारा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो आयोजन है ये 10 दशक से अधिक समय के बाद यहाँ पर भारत में फिर से किया जा रहा है, और भारत की नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो आयोजन है ये आपका 15 से लेकर 24 नवंबर 2018 तक किया जाना है। ठीक है, टीमों को 13 नवंबर तक प्रतियोगिता शुरू होने से दो दिन पहले यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी पहुँचना होगा। दोस्तों ये जो बड़ा टूर्नामेंट 2006 में भारत में आयोजित किया गया था और प्रदर्शन के मामले में देश के लिए सबसे बेहतरीन रहा था। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पदक इसमें जीता था। इससे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इस जो मैंने क्वेश्चन बताया इससे इम्पॉर्टेंट कुछ और न्यूज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो पुरुषों की विश्व चैंपियन 2019 है ये सोची रूस में आयोजित की जाएगी, और भारत जो है ये 2021 में पहली बार पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो ये पॉइंट, ये जो फैक्ट है आपका यहाँ पर, ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप 2019 है, क्योंकि यहाँ पर भी महिला मुक्केबाजी की बात की गई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन उसका पुरुषों से भी बन सकता है। तो उसका सोची रूस में किया जाना है 2019 का, और जो 2021 का आयोजन है वो पहली बार भारत में किया जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में पाँचवा ट्रैक एशिया, यहाँ पर ट्रैक कर लीजिए, हाल ही में पाँचवा ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो हाल ही में जो पाँचवा ट्रैक एशिया साइकिलिंग आयोजन है, तो इसका जो आयोजन है ये भारत में किया जा रहा है, और भारत में नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि भारत ने नई दिल्ली में पाँचवें ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग के प्रारंभिक दिन में ही 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। मायूरी ल्यूट ने महिला जूनियर 500 मीटर दौड़ में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुषों की जूनियर टीम ने यहाँ पर कजाकिस्तान को हराकर टीम स्प्रिंट स्पर्धा में अपेक्षित प्रदर्शन के बाद 1 और स्वर्ण जीता। टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है, और इसमें 12 देशों की भागीदारी यहाँ पर शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो टूर्नामेंट का आयोजन है तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो आयोजन है ये इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में किया जा रहा है, और ये भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है, और दोस्तों इसमें जो है 12 देशों की टीमें यहाँ पर शामिल हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वियतनामी राष्ट्रपति, ठीक है, ट्रान, यहाँ पर ट्रान कर लीजिए, ट्रान डाई क्वांग का निधन हो गया है, यह कितने वर्ष के थे। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि ये जो हैं ये 61 ईयर्स के थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है, किसे हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये एक नियुक्ति से क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बता दूँ कि जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसका जो अध्यक्ष है, तो अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कमलेश नीलकांत व्यास, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में KN व्यास भी कह सकते हैं, KN व्यास। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है, KN व्यास यानी कि कमलेश नीलकांत व्यास को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूँ कि जो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं कमलेश नीलकांत व्यास, इनको परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE का सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री व्यास को शेखर बसु के स्थान पर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है, इससे पहले कौन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, तो वो थे शेखर बसु, और उनके स्थान पर श्री व्यास को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में श्री व्यास भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC के निदेशक हैं। श्री व्यास MS विश्वविद्यालय वडोदरा से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी अनिंदो
मजूमदार 1985 बैच के, इनको केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों जी यहाँ पर क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाल ही में उड़ीसा के झारसुगुड़ा में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि उड़ीसा के जो झारसुगुड़ा में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी दे दूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारसुगुड़ा उड़ीसा में जो कि पड़ता है में एक हवाई अड्डे को उद्घाटन किया और उड़ीसा के तालचर में उर्वरक संयंत्र के पुनरुत्थान के लिए एक पट्टिका का अनावरण भी किया है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर बता दूँ कि अभी हाल ही में जो विश्व बैंक है इसने मध्य प्रदेश में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए जो आपका डॉलर मंजूर किया है ऋण, तो वो किया है 525 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूर किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि जो मैंने क्वेश्चन गलत बोल दिया, यहाँ पर विश्व बैंक नहीं, यहाँ पर आप ब्रिक्स बैंक कर लीजिए। ठीक है, जो ब्रिक्स बैंक आप जानते होंगे, ब्रिक्स बैंक है ये, मैंने गलत टाइप कर दिया है, ब्रिक्स बैंक यहाँ पर है, ब्रिक्स बैंक ने विश्व बैंक की जगह यहाँ पर ब्रिक्स बैंक कर लीजिए। ब्रिक्स बैंक ने मध्य प्रदेश में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 525 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण यहाँ पर मंजूर किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि ब्रिक्स देशों ने नया विकास बैंक यानी कि NDB ने मध्य प्रदेश को अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 525 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 350 प्लस 175 के ऋण की मंजूरी यहाँ पर दी है। NDB के निदेशक मंडल ने मध्य प्रदेश की मुख्य जिला रोड परियोजना सेकंड के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 350 पुलों के निर्माण और विकास के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को यहां पर मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, अगला जो यहां पर क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है तो वह है, विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की पहली महासभा का उद्घाटन कब और कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है ये आपका दिल्ली में 2 अक्टूबर को किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बारे में और कुछ थोड़ा सा जानकारी दे दूँ, ISA सौर ऊर्जा के शीघ्र और व्यापक प्रयोजन के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान देने वाली प्रधानमंत्री मोदी की एक प्रमुख यहाँ पर पहल है। 11 मार्च 2018 को ISA का स्थापना सम्मेलन नई दिल्ली में संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा आयोजित किया गया था। अगला दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य संचालित किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाली मौद्रिक सहायता दोगुना कर दी है? तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर बता दूं कि जो गुजरात सरकार है इसने राज्य संचालित किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाली जो मौद्रिक सहायता है इसको दोगुना कर दिया है। यदि कोई किसान दुर्घटना में मर जाता है या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे या उसके परिवारजनों को 2 लाख रुपये, इससे पहले 1 लाख रुपये था, दिए जाएंगे। यदि कोई किसान किसी दुर्घटना में एक आंख या एक अंग कमा देता है तो वह 50,000 रुपये की बजाय 1 लाख रुपये पाने का भी हकदार होगा। ठीक है दोस्तों, बीमा योजना में राज्य के कृषि भूमि के 2.5 करोड़ से अधिक किसान यहां पर शामिल हैं। अगला दोस्तों जी यहाँ पर क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है और जो अंतिम क्वेश्चन है आज के इस डेली करंट अफेयर सेशन का, तो वह है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का तीसरा संस्करण महाविज 2018, क्या नाम है इसका, महाविज 2018 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, महाविज 2018 कर दीजिए, कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है ये दुबई में किया जाना है। तो यहाँ पर बता दूँ कि जो प्रशंसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन का तीसरा संस्करण महाविज 2018 है जो कि 12 से 13 अक्टूबर 2018 को आयोजित किया जाना है। कब से कब तक आयोजित किया जाना है? 12 से 13 अक्टूबर 2018 तक इसका आयोजन किया जाना है। इसका जो आयोजन है ये दुबई में किया जाएगा। महाविज को महाराष्ट्र राज्य और खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC क्षेत्र के बीच व्यावसायिक अवसरों का एक सेतु माना जाता है। GCC 6 मध्य पूर्वी देशों का राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और बहरीन और कतर शामिल हैं। इस कार्यक्रम में भारत खाड़ी देशों और अफ्रीका से 400 से अधिक प्रतिनिधि यहां पर भाग लेंगे।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।